दुनिया में कई देशों के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है, लेकिन रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन की एक एक वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे बताई जा रही है। हालांकि रूस ने सभी को चौंकाते हुए दावा किया है कि वो देश में अक्टूबर से ही मास वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करने वाला है। रूस की एक मीडिया संस्था रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस की इस वैक्सीन को अगस्त के अंत तक मंजूरी मिल सकती है। साथ ही उन्होंने अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन के मास वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध हो जाने का दावा भी किया। मिखाइल ने बताया कि गमालिया इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन पर सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लिए हैं और नतीजे काफी अच्छे हैं। फिलहाल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर से मास वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। वहीं चीन की एक सरकारी मीडिया पीपल्स डेली के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स और टीचर्स को दी जाएगी, इसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोगों का नंबर आएगा। वैसे कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर देश से भी आई है। दरअसल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित कोरोना वायरस के टीके के देश में दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। वैसे यहाँ जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ओनली माई हेल्थ कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। Only My Health के वीडियोस सिर्फ जानकारी के लिए हैं।